आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, या फिर हर महीने ही आंकड़े आते हैं इन्फ्लेशन के हों या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हों, ये सब आंकड़े तो हर महीने आते हैं, लेकिन इस बार नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या बहुत समय के बाद 7 के नीचे इन्फ्लेशन हमारा आने वाला है। कुछ लोग अनुमान जता रहे हैं कि शायद 6.5 तक आ जाए। तो ये बात आज की तारीख में बाजार ने डिस्काउंट कर ली है, या अगर ये नंबर आ गया तो ये एक यहाँ पर नए उत्साह को जन्म देगा? मुझे तो लगता है थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाएगी, एटलीस्ट थोड़ा वो नी जर्क में पॉजिटिविटी तो आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर में रिएक्शन होगा। और जो इस बारी का आरबीआई का एक्सपेक्टेशन जैसा गवर्नर साहब के स्माइली फोटो के साथ दिया गया था, मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छा नंबर इन्फ्लेशन में कूल ऑफ आ सकता है, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन तो शुक्रवार की जैसे जो उछाल आई उसमें सिर्फ अमेरिकी आंकड़ों को डिस्काउंट किया गया, भारत में क्या हो सकता है वो अभी मतलब बाजार ने उस पर बहुत तवज्जो नहीं दी है क्या? फ्राइडे का जो उछाल है उसमें पॉवेल जी की मुस्कान फैक्टर हुई है, अभी जी जो ट्यूजडे का होगा उसमें हमारे गवर्नर साहब का होगा, थोड़ा भी रहेगा पॉजिटिविटी तो रहेगी हमारे पास। जी बिल्कुल। तो फिर क्या अंदाजा रहेगा यहाँ? फिर शक्तिकांत दास जी अपनी स्पीड धीमी करेंगे, वैसे ही वो थोड़ा कम से कम पावल साहब के मुकाबले तो थोड़े धीरे धीरे ही चल रहे थे, उनकी तरह से बहुत अग्रेसिव नहीं थे। क्या यहाँ पे वो रुक जाएंगे, ठहर के देखेंगे कि अच्छा चलो इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना शुरू हो गया? उन्होंने कहा भी था, लेकिन आरबीआई गवर्नर जब कहते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन घटने वाला है, तो उसे बहुत सारे लोग औपचारिक सरकारी बयान के रूप में देखते हैं कि हाँ अब गवर्नर साहब को तो बोलना ही है ऐसा। लेकिन अगर वो वास्तव में होता हुआ दिखेगा, जिस ट्रेजेक्ट्री में आरबीआई ने पहले अपने औपचारिक अनुमानों को रखा है, अगर उसी ट्रेजेक्ट्री में चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी, तो क्या बाजार का भरोसा बढ़ेगा कि हाँ ठीक है आरबीआई साहब बस सबको सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहे थे, उन्होंने जो देखा था वो ठीक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, लेकिन हाइक रुकेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि भी कंप्लेन पॉज तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज 6% के नीचे तो हम नहीं आए हैं ना। अभी जब आएंगे 6% के नीचे तो वो भी जब तक 4% तक उसको लेके नहीं जाया जाए, तब तक जो सेटिस्फैक्टरी नंबर है कि थोड़ा बहुत फिर से ब्लिप अगर वापस भी आएगा तब तक वो जो पीस है वो तो नहीं मिलेगा। इसलिए पॉज आने में अभी टाइम है, पॉज अभी नहीं आएगा, रादर इसको और क्रश करने की कोशिश की जाएगी कि थोड़ा और बढ़े, और जो अभी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है वो थोड़ा सा और इम्पैक्ट अच्छा दिखे, सो दैट हम थोड़े और बेटर पोजीशन में जाएं।